जी वेवर्स, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी बेकरी स्टाइल पिज्ज़ा, जो कि बच्चों के लिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आता है। तो मैंने सोचा आज मैं ये रेसिपी बताती हूँ आप लोगों के सामने और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मिंस की तरफ, जो कि कैसे रेडी होगा। ठीक है, मैं आपको इसके सारे इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसको मैंने स्टोव पे रखा और उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। अब 2 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद ये थोड़ा सा गर्म हो गया, फिर मैंने इसके अंदर जो है 1/2 kg बॉयल चिकन मिन्स डाल रही हूँ। ये मैंने बॉयल किया, सिंपली इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ जिंजर और गार्लिक पाउडर डाल के मैंने इसमें इसको बॉयल कर लिया था। अब मैं इसमें डाल के इसको सौते कर रही हूँ। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है अपनी पिज्ज़ा सॉस, जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, एटलीस्ट 4 टेबल स्पून। आप सोच रहे होंगे कि ये मिन्स के अंदर ये कब डलता है, तो ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। देन हम इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालने अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 by 1 हमने स्पाइसेस डालने हैं। मैं आपको अपनी पहली प्रीवियस वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ कि मैं 1 by 1 स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्सिंग करती हूँ। अब इसमें डालूँगी 1 टी स्पून जो है मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्पाइस डालूँगी, गरम मसाला 1 टी स्पून। गरम मसाला भी डाल के हम अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टी स्पून। भी डाल के मैं अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना सॉल्ट और ये हमारी है ग्रीन चिलीज, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस जो है 1.5 टी स्पून। इसको भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे, पहले मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस जो कि वो भी है 1.5 टी स्पून। अच्छे से ड्राई हो जाओ और फिर हम इसको बोल में निकाल के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना पिज्ज़ा बनाना। जी व्यूअर्स, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि मैंने सारी जितनी भी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं बताने के लिए। देख सकते हैं आप, ये है हमारी पिज्ज़ा डो जो कि राइज्ड हो चुकी थी, डबल हो चुकी थी, मैंने अगेन इसको पंचिंग की थी, फिर से ये राइज्ड हो गई। ये मिन्स जो मैंने क्या आपके सामने बनाया था, आपको बताया था चिकन मिन्स के कैसे प्रिपेयर होगा पिज्ज़ा का, और ये है पिज़्ज़ा सॉस जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ इसको कैसे बनाना, और ये है पिज़्ज़ा की टॉपिंग, सम टोमेटोस स्लाइसेस, कैप्सिकम स्लाइसेस, चैडर एंड मोज़रेला, एंड दिस वन इज़ रिंग कैप्सिकम एंड ऑलिव्स। ऑलिव्स आपकी मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें, इट्स डिपेंड ऑन यू। और मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, ये है हमारे मिनी से मोल्ड्स, या आप चेक कर सकते हैं आप, ये मिनी मोल्ड्स जिसमें हम जो है मिनी मिनी से पिज़्ज़ास बनाएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने मिनी पिज़्ज़ा की कटिंग कैसे होगी, तो इसकी कटिंग के लिए मैंने एक राउंड कटर लिया है, वो मैं आपको चेक कराती हूँ, वो भी इसी साइज़ का ही, चेक कर सकते हैं आप। ये देखें, ये है राउंड कटर जो कि ये भी है इसी साइज़ का। करने के बाद मैं ऑयलिंग करने के बाद पैन में ऑयल करूँगी, फिर वो जिस साइज़ का मैंने ये काटा होगा पिज़्ज़ा की डो का पेड़ा रोटी, उसको मैं इसके अंदर लगा दूँगी, इस पैन के अंदर मैं लगा दूँगी और फिर मैं इसके सामने आपके सामने जो है इसकी सारी टॉपिंग करूँगी। ठीक है, बस आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने अपने पैन के अंदर जो है ये अपनी पिज़्ज़ा की डो अप्लाई कर दी है। पहले मैंने ग्रीस किया पैन को, फिर उसके अंदर जो डो कटिंग की थी इस साइज़ की, वो मैंने इस पर रख दिया। अब हम इसके ऊपर जो है टमाटो केचप लगाएंगे। एक मिनट,
इसका हमें चेक कर सकते हैं। मैंने जो अपनी पिज़्ज़ा सॉस थी वो इस पर अप्लाई कर दी है। अब मैं इसके बाद इसके ऊपर अपना जो मैंने मेंस बनाया हुआ था पिज़्ज़ा का, वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। मैं इसको डाल के भी इसको स्प्रेड करती हूँ, ठीक है। मैं इसको स्प्रेड करती हूँ व्यूअर्स, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है आपने मिन्स लगा दिया, मिन्स अप्लाई कर दिया। फिर मैंने इसके ऊपर जो है टोमेटोज़ लगाए। अब मैं इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ अप्लाई करूँगी और देन इसके ऊपर जो है मैं अपनी कैप्सिकम का जो मैंने रिंग जो मैंने किया था बनाया था वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर्स, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो है अपनी पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई की थी। पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करने के बाद मैंने अपना मिन्स डाला। मिन्स अप्लाई करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो टमाटोज डाले, टमाटोज ऑप्शनल है, बास लोगों को नहीं पसंद होते वो नहीं डाले, ठीक है। देन इसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर चैटर और मोज़रेला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस पिज़्ज़े की जान है, ठीक है, वो हम इस पर डालेंगे। देन इसके पास ही मैंने कैप्सिकम का एक स्लाइस डाला है जिसको मैंने रिंग फॉर्म में काट लिया था, ठीक है। और देन इसके पास मैंने ऑलिव डाला है, ठीक है। गाइस आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इसका लुक जो है बिल्कुल अभी से ही बेकर स्टाइल वाला आ रहा है। अभी मैं इसको बेक करूँगी। मैंने अपना ओवन प्रीहीट करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स के लिए मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट्स बाद मेरा ओवन प्रीहीट हो जाएगा तो मैं इसको 10 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक कर लूँगी। देन मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसी तरीके से मैंने अपने जो है सारे अपने मिनी पिज़्ज़ाज जो हैं वो रेडी कर लिए, ठीक है जी व्यूअर्स। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं मेरे पिज़्ज़े की फाइनल लुक। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे मिनी पिज़्ज़ा से जो कि टोटल मेरे पास 8 बने हैं, 2 मैंने ओवन में बेक करने के लिए अभी रखे हुए हैं, वो रिमेनिंग है। और नेक्स्ट जो हमारा एक्स्ट्रा मेरे पास बच गया था वो तकरीबन एक और पैन पिज़्ज़े का था, उसको भी मैंने बना लिया। चेक कर सकते हैं आप, ये देखें इसको भी मैंने बना लिया है, ठीक है। आई होप कि आज आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ट्राई कीजिए और फीडबैक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह।